नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत अमेजिंग टॉपिक पे बात लेकर आई हूँ। और उसको शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसी आप छोटे थे और यही वाला महीना होता था, फ़रवरी मार्च के अराउंड जब आपका रिजल्ट आता था, तो आपको याद है एक बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी किसी चीज़ की, नई बैग की, नई बुक्स की, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी और हम स्पेशल खरीदने जाते थे, एक नया सेट लेकर आते थे किताबों का। मुझे तो याद है जब मुझे नया सेट मिलता तो बड़ा अच्छा लगता था, जब मम्मी कहती थी पुरानी किताबें ले तो थोड़ा सा बुरा लगता था, उसमें मार्क्स होते थे, बहुत कुछ होता था, बट देयर वाज एक्साइटमेंट। वी यूज टू एंटर द न्यू क्लास विद न्यू बुक्स, लॉट ऑफ एक्साइटमेंट होते हैं। पर जैसे जैसे हम बड़े होते गए तो किताबें पढ़ना बस, हाँ ठीक है किताबें पढ़नी है पढ़नी है पढ़नी है, बड़े होते गए। उसके बाद हमारी ऑफिशियल एक एजुकेशन ख़त्म हो गई, तो क्या हमें किताबें पढ़ना बंद कर देना चाहिए था? ये मेरा सवाल है आप लोगों से। आप ऐसे कितने लोगों ने जेन्युइनली किताबें पढ़ना बंद कर दिया है क्योंकि आपको समय नहीं मिलता, एक्स वाई जेड रीज़न? कितने लोगों ने, मैं भी उनमें से एक हूँ, बहुत सारे लोगों ने बंद कर दिया। बट आपको पता है कि अगर आप आज के वर्ल्ड में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपकी आवाज़ पे कमांड होना काफ़ी ज़रूरी है। जब दो लोगों के बीच में बैठो या फिर आप एक कंपनी में जॉब करो, यू मेक श्योर दैट यू आर एबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, और सिर्फ उसके लिए आपको रेगुलरली किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब किताबें पढ़ने के लिए इतना प्रेशर लेना ज़रूरी नहीं है, बस किताबें पढ़ना ज़रूरी है और वो इंजॉय कर कर पढ़ना ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक किताब गिफ्ट करने वाली हूँ, बट उसके लिए बस आपको क्या करना है, पहला काम इस वीडियो को अंत तक देखना है, दूसरा काम आपको कौन सी बुक लेनी है, जो बुक्स मैं आपको दिखाने वाली हूँ उनमें से उसका नाम लिखना है और फिर बताना है कि आप वो बुक क्यों लेना चाहते हो। तो विद इन 2 वीक्स हम आपको कांटेक्ट करेंगे, हम यानी कि मैं और आप, मेरी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और आपके घर पे हम उस बुक को भेजेंगे। तो कौन होगा वो लकी विनर, उसको जानने के लिए आप इस वीडियो को जरूर अंत तक देखना और उसके बाद भी इंतजार करना, क्योंकि हम लकी विनर भी अनाउंस करेंगे कौन है जिसको हमने वो बुक गिफ्ट करी। तो आज बात करते हैं कि बुक्स को रीड करने से क्या फायदा होता है एग्जैक्टली। तो सबसे पहला फायदा होता है, कोई भी हम बुक फॉर एग्जाम्पल उठाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कल एटॉमिक हैबिट्स रीड करी, इसके ऊपर आर्टिकल भी डाला, तो कंसिस्टेंसी वर्ड था जो बार बार आ रहा था। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो बार बार आते हैं, तो बुक्स कैन हेल्प यू इन इम्प्रूव योर वोकैबुलरी, इज एज सिंपल एज दैट। उसके अलावा आप इंग्लिश की बुक्स पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल, तो आपका इंग्लिश का ग्रामर बहुत अच्छा होगा। आप हिंदी की बुक्स पढ़ रहे हैं तो हिंदी की ग्रामर बहुत अच्छी होगी, सो दैट इज़ अनदर एस्पेक्ट ऑफ अ लैंग्वेज लर्निंग, कि आपका ग्रामर बहुत इम्प्रूव होता है। उसके अलावा आपके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अलग अलग किताबों का पढ़ना, जैसे एटॉमिक हैबिट्स, जैसे कि इकिगाई, जैसे कि कोई स्पिरिचुअल बुक सदगुरु की, या फिर सम चाणक्य लीडरशिप, एनी सच काइंड ऑफ बुक, ये बुक आपको हेल्प करती है आपका क्रिटिकल थिंकिंग एनालिसिस करने में। दैट इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट इन टूडेज वर्ल्ड, यू नीड टू क्रिटिकली एनालाइज वेयर यू आर स्पेंडिंग योर टाइम, हाउ मच यू आर स्पेंडिंग इट एंड हाउ कैन इट इज रियली बेनिफिशियल फॉर यू, एंड इफ इट इज नॉट यू नीड टू स्टॉप इट। अपार्ट फ्रॉम दैट, वेन यू रीड बुक लाइक डीप वर्क लाइन बाय लाइन, आप ऐसी थोड़ी सी जब इंग्लिश की टफ बुक पढ़ते हो तो आपकी फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होती है। उसके अलावा जब हम इस तरीके की किताबें पढ़ते हैं, कॉर्पोरेट चाणक्य ऑन मैनेजमेंट, दिस इज टिपिकली यू नो बुक दैट गिव यू अ स्टाइल ऑफ लीडरशिप मैनेजमेंट, एंड दिस बुक्स कैन हेल्प यू इन डूइंग टेक्सचुअल एनालिसिस, तो आप टेक्सचुअल एनालिसिस करने में आपको बहुत मदद करती है ये बुक। सो ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको हेल्प करती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, बुक लाइक दिस स्टे हंग्री स्टे फुलिश आपको काफ़ी मोटिवेटेड रखती हैं अपनी लाइफ में। तो आपको मैंने बहुत सारी बुक्स दिखाई हैं, बहुत सारी बुक्स के एग्जांपल्स भी दिए हैं, तो
आपको कौन सी बुक है जो बहुत अच्छी लगी, या आपने इसके बारे में कुछ कुछ सुना हो, पढ़ा हो, तो आप इस बात को कमेंट करके जरूर बताएं और लिखें कि आपको ये किताब क्यों चाहिए, ताकि ये किताब आपके घर तक, आपके डोरस्टेप पे टाइम पे पहुंचे और अपनी लाइफ चेंज करने के लिए कुछ कर पाए। कि आपके पास कोई स्टोरी है जिसमें आप मुझे बता सकते हैं कि किताब ने आपकी लाइफ कैसे बदली? मैं आपको बताती हूँ मेरी एक किताब ने कैसे लाइफ बदली। दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट बुक, दैट इज़ एटॉमिक हैबिट्स। इसने मेरे बहुत मदद किया इस बुक में, बुक ने मुझे, मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी थी, बहुत डिफ़िकल्टी रहती थी मुझे हर चीज़ में, बस इस बुक को पढ़ते 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 मैंने अपने आप को काफ़ी बेटर किया है। आई कैन सी माई लाइफ हैज चेंज ड्रास्टिकली एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द बुक दैट आई रेड। तो आपकी लाइफ में भी अगर कुछ बुक ने चेंज लाया तो डेफिनेटली आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इस वीडियो पे कमेंट्स करोगे, क्योंकि ये वीडियो कोई ज्ञान देने के लिए नहीं है, ये एक इंट्रैक्शन है आपके और मेरे बीच में। मैं बहुत प्यार करती हूँ आप लोगों से, मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी लर्निंग शेयर करना,